ये मेरा प्लांटेड नेचुरल टैंक है और मेरे यहाँ पानी की जो वैरायटी होगी, पानी की वैरायटी मेरे यहाँ आसपास का जितने भी जिलों में भी है उनसे भी बिल्कुल डिफरेंट होगी। क्रिस्टल क्लियर वाटर होगा मेरे। पर ये आपका मौली से स्टार्ट करिए आप। मौली ये मौली है, इसके अंदर बिडो टेट्रा है, कलरफुल मौली होती है। ये टाइगर है, ये अफ्रीकन सिगलेट्स हैं सब इसमें, सब ये इम्पोर्टेड ब्रीड्स हैं सब। ये पल स्केल हॉर्न है, ये रेड टेल शार्क है आपका। तो फिशेस की वैरायटी मेरे पास ऑलवेज बहुत रहती है। ये ऑस्कर हैं, पैरेट हैं, रेड पैरेट है, येलो पैरेट है, ब्लैक टाइगर ऑस्कर है, एल्बिनो ऑस्कर है, फायर ऑस्कर भी होता है। ये पाकू है आपका, एक्चुअली ये प्राना का ही सब्स्टिट्यूट है। वो नाइफ फिश है, एल्बिनो नाइफ फिश आता है उसमें, रॉयल नाइफ फिश आता है। ऐसी आप इसको देखेंगे तो ये गोल्ड फिश है, ये नॉन किलर होती हैं। ये बोथ एक्वेरियम में जो है नॉन किलर फिशेज हैं। ये आपका ब्लैक गोल्ड है, रेड गोल्ड है, रेड कैप है, स्वान किंग है। इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे नॉन किलर मतलब ये क्या होता है। ये सब आपस में फैमिलियर हैं। ओके, अब अगर हम इसको इसके साथ डाल देंगे तो ये वाली फिशेज इनको मार देंगे। ओके, देखिए देखने में ये दोनों ऑरेंज हैं जी, लेकिन ये साथ में नहीं जाती हैं। ये वाली फिश उनके साथ कंपेयर करेंगे अगर आप जी, तो वो इनकी आंखें निकाल देंगे। ओहो, ये कॉम्बिनेशन बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि अगर हम एक्वेरियम लगाने जा रहे थे चीजों का हमें नॉलेज नहीं। हाँ, ये नॉन किलर है, वो सेमी अग्रेसिव है, ये अग्रेसिव है। ओके, जैसे आपने भी प्राना सब्स्टिट्यूट बताया था, इसका एक माइंड में कुछ और ही आता है लोगों के, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब। हाँ, ये थोड़ी अग्रेसिव होती है थोड़ा, इसको क्या है दांत भी होते हैं इसके। ओके, तो ये जैसे जैसे बड़ी होती जाती है थोड़ी और ज्यादा अग्रेसिव होती है। तो ये क्या अगर हम वैसे किसी को नुकसान नहीं देती, अगर आप हाथ डालोगे तो हाथ पे पकड़ेगी जरूर, पकड़ सकती है। हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका लोकल कारोबार में, और लोकल कारोबार आज पहुंचा है एक ऐसी जगह पर जो आपके घर की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं, और कुछ लोगों को इसका बहुत शौक होता है। हाँ जी, हम आप सही समझ रहे हैं, मैं इस एक्वेरियम हाउस में खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर एक्वेरियम आपको मिल जाते हैं। और ये जो शॉप है ये चड्डा कॉम्प्लेक्स में है, जिसका नाम है पेट एंड एक्वेरियम हाउस। मुरादाबाद में आपको शॉप तो बहुत ज्यादा मिलेगी, लेकिन हमने ये शॉप आपके लिए ढूंढ कर निकाली है। इनके पास जो वैरायटी है, इनके पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो कुछ अलग हैं, कुछ ज्यादा हैं। तो अब चलते हैं अंकल जी के पास और इन्हीं से जानते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स में आप डील करते हैं और क्या क्या वैरायटी आपके पास एक्वेरियम की मौजूद है। हेलो अंकल जी, जी बताएं। तो आपकी शॉप के बारे में हमने थोड़ा सा रिसर्च करा पहले, फिर पता चला कि आपके यहाँ जो वैरायटी है बहुत ज्यादा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स को आप बता दें कि क्या क्या वैरायटी आपके पास मिलती है और किस किस चीज में आप डील करते हैं। हम जो है जितना हमारे पास मैरीन टैंक है, फ्रेश वाटर टैंक है, प्लांटेड टैंक है, नेचुरल टैंक है अपने पास में, और उन सभी में हम डील करते हैं। और हमारे पास जो वैरायटी है वो जो है सबसे डिफरेंट है हमारे पास। ओके, तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, क्या क्या वैरायटी आपके पास। ये देखिए मेरा प्लांटेड नेचुरल टैंक है, और मेरे यहाँ पानी की जो वैरायटी होगी, पानी की वैरायटी मेरे यहाँ आसपास का जितने भी जिलों में भी है उनसे भी बिल्कुल डिफरेंट होगी। क्रिस्टल क्लियर वाटर होगा मेरे। ओके नाइस, ये सब प्लांटेड है, ये नेचुरल प्लांटेड टैंक है। नेचुरल प्लांट्स हैं ये सब, नेचुरल प्लांट्स हैं सब ये। इस बारे में मुझे भी जानकारी थी, नेचुरल प्लांट्स जो है। और इसमें जो हम फिल्ट्रेशन के लिए बायोमीडिया को यूज करते हैं जो पानी को क्रिस्टल क्लियर रखता है। Okay. क्योंकि जो इसके अंदर अमोनिया 40 देती है फिश, जो अमोनिया देती है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि हमारा फिश की डेथ कम होती है। Okay. उसका और बाकी जो है हमारा पानी जो है क्रिस्टल क्लियर रहता है। ये फिल्ट्रेशन है इसका, बहुत हैवी फिल्ट्रेशन है। Okay. ये सब बहुत हैवी फिल्ट्रेशन में है ये। अच्छा, आपके अगर हम एक्वेरियम की स्टार्टिंग की बात करें तो एप्रोक्सीमेट कितने से स्टार्ट हो जाते हैं आपके। देखिए बाउल में लेंगे, इस टाइप के बाउल्स में लेंगे अगर आप, ये जैसे बाउल्स रखा हुआ है तो बाउल्स में मेरे पास में आपका 300 से स्टार्ट है। अच्छा, ओके वाओ, और 800 तक है, 5000 तक है। एक्वेरियम्स में अगर आप लेंगे तो स्मॉल एक्वेरियम का साइज मेरे पास 800 से स्टार्ट है, विद फिशेज है उसके अंदर इंक्लूड है। वाओ क्या बात, 4 फिशेज उसके अंदर इंक्लूड रहती हैं। इस टाइप से लेंगे तो ये 1100 में है। और ये मोल्डेड ग्लास में है सब, ये जितने भी हैं ये छोटे छोटे एक्वेरियम्स हैं। एक ये एक्वेरियम्स है, मोल्डेड ग्लास है, ये इम्पोर्टेड से। और आपका ये सारे साइज वाइज है लगे हुए। ओके, अलग अलग डिफरेंट साइजेस में। हाँ डिफरेंट है सब, ये साइज वाइज वेरी करेगा सब। ओके, वो देखिए उधर भी रखा हुआ है। ओके, काफी ज्यादा मतलब रेंज जो है काफी अच्छी रेंज है। उधर ये है, ये अपना 4 फीट का एक्वेरियम है, इम्पोर्टेड नहीं है। ये वाला अपना 2.5 फीट का एक्वेरियम है, ये 2 फीट है, ये भी आपका 2 फीट है। नीचे जो है कवर्ड ये विद कैबिनेट है, कैबिनेट है ये, जिसमें मतलब दाना वगैरह मछलियों का रखना है। हाँ, वो आप उसमें जो भी रखना चाहें, अपना
कुछ सामान भी रख सकते हैं आप उसके अंदर, आप अपना खाली जाने की बात नहीं, आप सामान भी रख सकते हैं आप, ठीक है ना। ये हमारा ब्लैक वाटर टैंक है, इसको लाइट जलाना बेटा। ये ब्लैक वाटर टैंक है मेरा, ये भी दिखाया था मैं, देखिए ये भी प्लांटेड है मेरा। नाइस, ये मिनी प्लांटेड टैंक है, ये छोटा सा है जैसे बच्चे अपना स्टडी टेबल पर रख लेते हैं। ये भी इम्पोर्टेड टैंक है, छोटा सा है, छोटा इम्पोर्टेड टैंक है। ये आपका लाइव प्लांट्स हैं सब, जो हम जो है नेचुरल एक्वेरियम में यूज करते हैं। एक तो शौक हो गया अंकल जी के, हाँ एक्वेरियम रखने का शौक है, इसका कोई और भी फायदा होता है? देखिए अगर आप इसको आगे, आप दोनों ये प्लांटेड टैंक हैं जी, आप इसके आगे बैठिए, आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा, मेडिटेशन के लिए भी, हाँ। एक तरीके से माइंड को फ्रेश करने के लिए काफी। अगर कभी कभी हम भी थक जाते हैं तो हम भी इसके आगे बैठ जाते हैं तो रिलैक्स फील हो जाता है, वाओ। ये बिल्कुल नेचुरल है सभी। अच्छा, ये फिशेज हैं, ये इतनी कलरफुल फिशेज हैं, खूबसूरत हैं, तो ये सब जो होती हैं इंपोर्टेड होती हैं क्या? हाँ, ये सब इंपोर्टेड फिश हैं। मेरे पास एक्जोटिक कलेक्शन बहुत रहता है, जो सब इम्पोर्ट होके आती है, थाईलैंड का कलेक्शन होता है मेरे पास बहुत होता है वो, और हर टाइम अवेलेबल रहता है। अभी ये देखिए यहाँ पर, ये आपका मौली से स्टार्ट करिए आप, ये मौली है, इसके अंदर बिडो टेट्रा है, कलरफुल मौली होती है। ये टाइगर है, ये अफ्रीकन सिगलेट्स हैं सब, इसमें ये सब ये इम्पोर्टेड ब्रीड्स हैं सब, ये पल स्केल हॉर्न है, ये रेड टेल शार्क है आपका। तो फिशेस की वैरायटी मेरे पास ऑलवेज बहुत रहती है। ये ऑस्कर हैं, पैरेट हैं, रेड पैरेट है, येलो पैरेट है, ब्लैक टाइगर ऑस्कर है, एल्बिनो ऑस्कर है, फायर ऑस्कर भी होता है, ये पाकू है आपका, एक्चुअली ये प्राना का ही सब्स्टिट्यूट है। वो नाइफ फिश है, एल्बिनो नाइफ फिश आता है उसमें, रॉयल नाइफ फिश आता है। ऐसे ही आप इसको देखेंगे तो ये गोल्ड फिश है, ये नॉन किलर होती हैं, ये बोथ एक्वेरियम में जो है नॉन किलर फिशेज हैं। ये आपका ब्लैक गोल्ड है, रेड गोल्ड है, रेड कैप है, स्वान किंग है। इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे, नॉन किलर मतलब ये क्या होता है? ये सब आपस में फैमिलियर है। ओके, अब अगर हम इसको इसके साथ डाल देंगे तो ये वाली फिशेज इनको मार देंगे। ओके, देखिए देखने में ये दोनों ऑरेंज है जी, लेकिन ये साथ में नहीं जाती हैं। ये वाली फिश उनके साथ कंपेयर करेंगे अगर आप जी, तो वो इनकी आंखें निकाल देंगी। ओहो, ये कॉम्बिनेशन बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम एक्वेरियम लगाने जा रहे थे, हाँ, चीजों का हमें नॉलेज नहीं। हाँ, ये नॉन किलर है, वो सेमी अग्रेसिव है, ये अग्रेसिव है। ओके, जैसे आपने भी प्राना सब्स्टिट्यूट बताया था, इसका एक माइंड में कुछ और ही आता है लोगों के, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब। हाँ, ये थोड़ी अग्रेसिव होती है, थोड़ा इसको क्या है, दांत भी होते हैं इसके। ओके, तो ये जैसे जैसे बड़ी होती जाती है थोड़ी और ज्यादा अग्रेसिव होती है। तो ये क्या, अगर हम वैसे किसी को नुकसान नहीं देती, अगर आप हाथ डालोगे तो हाथ पर पकड़ेगी जरूर, पकड़ सकती है। हाँ, लेकिन वैसे किसी को वो जो ओरिजिनल प्राना होती है वो नुकसान ज्यादा देती है, ये उतना नुकसान नहीं देती है। ये है देखिए आपके बड़ा पीस है ऑस्कर का। अच्छा जी, अगर लाइफ की बात करें तो लाइफ देखिए, जो मॉलीज हैं या टेट्राज हैं, जैसे ये मॉलीज हैं आपकी, ये टेट्राज है सारी है जी, ये इन सब का लाइफ स्पेन जो है वो 4 to 4.5 years है। ओके, और जो वो वाली है उनका 25 years से स्टार्ट होता है। ओके, लेकिन क्या है कि ये सब नेचुरल तो कुछ नहीं है ना इसमें जी, जो भी है अगर हम एक आर्टिफिशियल क्रिएट कर रहे हैं जी, तो पानी इसमें रुका हुआ है जी, जो पानी चलता हुआ होगा तो उसमें इनकी लाइफ 35 years होती है, हो जाती है। ओके, अगर हम इनको ढंग से पालेंगे तो हम इनको 5 to 7 years, 8 years पाल सकते हैं बढ़िया करके, लेकिन उतना लाइफ टाइम नहीं दे पाएंगे इनको जितना नेचुरल में होता है, जो एक पानी चलता हुआ होता है ना जी, उसमें और इसमें बड़ा फर्क होता है। अच्छा, इसके लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगते हैं जैसे। हाँ देखिए, ये लाइट है, जैसे प्लांटेड की लाइट और इसका फिल्ट्रेशन देखिए, इसमें हम क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर भी यूज करते हैं। ओके, ये कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर है और ये डिफ्यूजर के साथ में यहाँ पर सेट है, तो ये अपना जो है CO2 चलती है इसके अंदर, और इसकी लाइट जो है सनलाइट को इफेक्ट करती है बिल्कुल। ओके, तो क्योंकि लाइट अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली ये बहुत तेज लाइट है जी, क्योंकि प्लांट को क्या है ना, प्लांट जब ओरिजिनल आप लगाएंगे तो उसको सनलाइट का इफेक्ट चाहिए। तो सनलाइट से ही प्लांट आपके ग्रो कर रहे हैं। ये अभी क्योंकि एक मेरे सामने बात भी हो रही है, टेंपरेचर की कुछ बात हो रही थी कि टेंपरेचर मेंटेन करके फिर फिश को क्या होता है ना, फिर फिश का क्या है, ऑलवेज आपको ऐसा करना चाहिए, जैसे हमने आपको फिश दे दी जी, हमारे यहाँ पुराना पानी है। ओके, अब आप जब ले जाएंगे तो आपके यहाँ कभी नया भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वाटर तो चेंज हो ही रहा है ना जी, मेरे यहाँ से लेके आप अपने यहाँ ले गए आपका वाटर चेंज हो गया, तो आपको क्या करना है कि उसको पॉली को 10 to 15 minutes उसको फिश के साथ ही इसके अंदर रख देना है, डिप करना है, तो दोनों वाटर का पानी जो है टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, उसके बाद आप उसको खोल के डाल दीजिए तो नहीं मरेगी मछली। अब क्या है, लोग उसको एकदम जाके खोलेंगे तो वो थोड़ा सा
मर जाती है। थोड़ा सा इनको केयर करेंगे, इन चीजों की एहतियात रखनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक इसमें नमक का यूज करना चाहिए आपको, क्योंकि नमक से बढ़िया मेडिसिन इनके लिए कोई नहीं है। ये भी एक अच्छी जानकारी। इसमें रॉक सॉल्ट को यूज करना चाहिए, जब आप वाटर चेंज कर रहे हैं तो आपको रॉक सॉल्ट डालना चाहिए। मेडिसिन होती है साथ में इचिंग के लिए, फंगस के लिए, उसको आपको जो है वीकली इस्तेमाल करना है। तो आपके पास वो मेडिसिन वगैरह सब कुछ मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास मिल जाता है। कभी भी फिश को क्या है कि पानी से बाहर नहीं निकालना चाहिए आपको, अगर सफाई करनी है तो उसके लिए सब साइफन पंप टाइप आता है, इस टाइप से साइफन पंप है, ये रखा हुआ है ऊपर, बेटा साइफन पंप की तरह निकाल के रखियो, ये इस टाइप का साइफन पंप होता है, हम इसी को यूज करते हैं। ओके, इसको जब हमें सफाई करनी होती है जी, तो हम इसका वाटर चेंज करते हैं। वाटर चेंज करने के बाद में जो है उतना ही पानी हम फिल कर देते हैं। नॉर्मल फ्रेश वाटर में भी ये करते हैं, जितनी गंदगी होती है गंदगी सब कर लेता है। ओके, फिश को नहीं निकालना पड़ता है इतनी बार। अगर हम फिश को बाहर नहीं रहेंगे तो नहीं निकालेंगे तो उसकी लाइफ ज्यादा रहेगी। बार बार लोग क्या करते हैं ना, 10 से 15 दिन में जो है उसको पूरा का पूरा पानी निकाला और वो फिर डाला, तो उस कंडीशन में मछलियों की डेथ ज्यादा होती है, ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन उस चीज से लोग अवेयर नहीं है अभी, उन्हें लगता है कि हम पूरा पानी भर देंगे तो साफ होगा। फिल्ट्रेशन में लोग क्या करते, कंप्रोमाइज कर लेते हैं। ओके, जबकि फिल्ट्रेशन में कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। फिल्ट्रेशन आप जितना अच्छा रहोगे पानी उतना क्रिस्टल क्लियर रहेगा, उतना क्लियर रहेगा तो मछली की लाइफ ज्यादा हो जाएगी। ये एक मेन बात होती है, तो ये एक अच्छी जानकारी है। जैसे कि अभी अंकल ने बताया था कि छोटा एक्वेरियम जो है स्टडी टेबल पे बच्चे रख लेते हैं, तो मैंने इसलिए पूछा था कि इसका माइंड से भी कोई इफेक्ट पड़ता है, तो बताया आपने कि मेडिटेशन या आपको सुकून पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। और वाकई में हम जब इन्हें देख रहे हैं तो महसूस हो रहा है कि हाँ, ये कलर देखने पर और देखने पर हमें बहुत अच्छा सा महसूस हो रहा है, रिलैक्स फील हो रहा है। ये देखिए, ये ब्लैक वाटर एक्वेरियम है, ये अमेजॉन रिवर का एक जो है कॉन्सेप्ट है। इसमें हम प्लांट्स भी लगा सकते हैं। अच्छा, जो फिशेज हैं, जैसे आपने ब्लैक वाटर दिखाया, इसमें फिशेज कुछ अलग दिख रही हैं। हाँ। क्या वो फिशेज भी हमें इस वाटर में, ब्लैक वाटर का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें फिशेज वहाँ पर अमेजॉन रिवर के अंदर जो रहती हैं, वही हम इसमें शो करेंगे। क्या तो भैया, एक बात हम आपको बता दें कि यहाँ पर आने से पहले हमने और भी कई शॉप्स देखी थी, उन पर भी गए थे, लेकिन हमें वो बात नहीं आई, तो हमने वहाँ वीडियो नहीं शूट करी। यहाँ पर आने के बाद हमें इतनी ज्यादा वैरायटी दिख रही है कि मुझे लगता है शायद लखनऊ दिल्ली के बीच में यही एक ऐसी शॉप है जहाँ पर आपको इतनी ज्यादा वैरायटी मिलने वाली है। और साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि वैरायटी तो चलिए लोग रख भी लेते हैं, लेकिन जो शौक होता है, वो जो नॉलेज होती है, जानकारी होती है, जितनी अंकल से हमें नॉलेज मिल गई, मुझे नहीं लगता कि आपको कभी किसी ने इतनी नॉलेज दी होगी, क्योंकि लोग काम करते हैं लेकिन उसकी डीप नॉलेज उन्हें नहीं होती। अंकल को इतनी ज्यादा डीप नॉलेज है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर वीडियो बनाने में। फिर अंकल के पास वापस चलते हैं और कुछ और जानकारियां अंकल से ले लेते हैं। देखिए, अब मैं आपको दोबारा नई चीज दिखाता हूँ। ये मेरे पास वाटरफॉल फाउंटेन है, लक्ष्मी गणेश जी का पेयर है। Okay. इसमें आपका लाइट भी है, ऊपर से पानी आता है यहाँ पर। तो इस टाइप पर क्या है, इसको दिवाली पर या फेस्टिवल सीजन में इसका काफी लोगों में क्रेज रहता है, इसलिए हमने ये रखे हुए हैं। ये बाउल है, बाउल विद स्टैंड है, विद लाइट है। ये स्टेप है, ये एक सिंपल टाइप का फाउंटेन है। डिफरेंट टाइप के हैं, बड़े टॉयज सब आपको ऊपर वाली रैक पर रखे हुए हैं। ये देखिएगा इधर, ये लाइट्स हैं सब। ओके, वो लाइट भी, लाइट्स ऊपर भी रखी हुई हैं। इधर आपका पीछे रैक्स में जो है मेरे पास में आपको ऑटो फीडर मिलेगा, बर्ड फीडर मिलेगा। okay, nice. ये सब मेडिसिन हैं, टर्टल फूड हैं, आपका नेट है, मैग्नेट्स हैं। अच्छा, फिश के लिए भी तो तरीके का फूड आता है। हाँ जी, हाँ जी, ये सारे हैं। ओके, okay, ये सारे डिफरेंट टाइप के फूड्स हैं आपका। वाओ, पूरी ही कलेक्शन अंकल जी ने यहाँ पर इकट्ठी करी हुई है, बहुत अच्छी रेंज यहाँ पर। ये देखिए, ये टॉयज का कलेक्शन है मेरे पास, ये मेड इन थाईलैंड है टॉयज। वो वाले जो टॉयज हैं वो आपका मेड इन इंडिया है, वो मेड इन इंडिया है उधर, और ये मेड इन थाईलैंड, ये मेड इन थाईलैंड है, इनका कलर फिट नहीं होता है। ओके, इन टॉयज का, इसलिए इनको वहां से डिफरेंट करके उनको अलग जगह सेट करा हुआ है। ये देखिए, अब ये मेरा जो है पेट्स का कलेक्शन है, इसमें डॉग फूड, किटन फूड, ग्रेवी, ऊपर आपका डॉग फूड कलेक्शन है सब। अभी मैं पूछने ही वाला था आपके, क्योंकि शॉप का नाम पेट एंड एक्वेरियम हाउस है, तो पेट्स में भी आप डील्स करते हैं? जी, ये ट्रीट्स वगैरह हैं सारी, ये ट्रीट्स हैं। ये देखिए, उनका लीस कॉलर सेट है, तब ऊपर पेडिग्री का है, स्मार्ट हार्ड है। ये देखिए, साइफन पंप है, इसको हम प्लांटेड में यूज करते हैं। ये प्लांटेड को जो हमें इसकी सफाई करनी होती है, क्योंकि इसका
इसका ना तो वाटर चेंज होता है, केवल इसकी सफाई कभी नहीं होती। जैसे हम फ्रेश वाटर को तो पूरा क्लीन भी करते हैं 3-4 महीने में, इसको हम क्लीनिंग ही नहीं करते, केवल इसका वाटर चेंज होना होता है और कुछ नहीं होना होता है। इसकी जो शुरुआत में मेहनत होती है, शुरुआत के 1 महीने की मेहनत होती है, उसके बाद तो एज यूजुअल 15-20 दिन में आपको पानी चेंज करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। एक नया चीज देखिए आप मेरी, है ये वॉटरफॉल टाइप फाउंटेन है, ये हैंडमेड है, देखिए फिशेस का कलेक्शन देखिए आप, क्या बात है, मजा आ रहा है सर, बहुत अच्छा था कलेक्शन आपके पास है। विंडोज की भी लाइट डालो, वो इसी भी लगा दो, ये जो नीचे है ये ड्रिफ्ट वुड है, ये ड्रिफ्ट वुड है, ये गलती नहीं है लकड़ी, ये समुद्री लकड़ी होती है, ये सब आपके रॉक्स हैं, ये समुद्री रॉक्स हैं सब, ये होल रॉक है आपका, ड्रैगन रॉक है, लावा रॉक है, सेरायू रॉक है। अच्छा रॉक सॉल्ट मुझे शायद यहीं पर ये रखा हुआ, यही है? नहीं रॉक सॉल्ट नहीं है इसके अंदर, ये खाली रॉक है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा था। हाँ ये सब जो है हम एक्वेरियम्स में ही यूज करते हैं, प्लांटेड में देखिए वुड हमने ये यूज करी हुई है, ये वुडी है, ड्रिफ्ट वुडी यूज करी हुई है, ये गलती नहीं है। इसके ऊपर हम क्या देखिए मॉस लगा देते हैं, मॉस ही अपने आप बढ़ती जाती है और ये मॉस कभी मरती नहीं है, ये बढ़ के अपने आप फैलती जाती है सब में। क्या बात है, बहुत अच्छा मुझे यहाँ पर कलेक्शन देखा। ये देखिए ये हैमिस्टर केज है, इसका क्या यूज है, मतलब इसको? ये हैमिस्टर केज है, इसमें जो सफेद चूहे आते हैं ना जी, उनके लिए है, वो इसमें खेलते भी हैं। ओके, क्या बात है, और ये पानी पीने के लिए उनके बॉटल लगी हुई है अंदर, वो इसमें अंदर मुंह मारेंगे तो पानी इसमें से सिप कर लेंगे। ये इम्पोर्टेड कलेक्शन है मेरा बेटा फिश का, ये फिश देखिए, ये वाली लकी फिश में आती है, ये लकी फिश में आती है, सिल्वर एरोना है, वो रेड टेल कैट फिश है, और इसमें आरटीजी आती है, हाई बैक गोल्डन आती है, वो सब विद सर्टिफिकेट आती है। यही है सिल्वर एरोना, ये कैसी है जो विदाउट सर्टिफिकेट आती है, बाकी जितनी एरोनाज होती हैं वो सब जो है आपके सर्टिफिकेट के साथ आती है। ये देखिए सब, ये फिल्टर्स का कलेक्शन है, ये बर्ड नेस्ट है, वो टर्टल के लिए बॉक्स है ऊपर, पूरा ही कलेक्शन आपने। हाँ ये टर्टल फूड है, फिल्टर है मेरे पास, फिल्टर में थोड़ा मेरे पास इंटरनल फिल्टर भी है, थोड़ा डिफरेंट टाइप के फिल्टर भी होते हैं, इस टाइप से होते हैं, जैसे ये हैंग ऑन फिल्टर है, ये हैंग ऑन फिल्टर है आपके, ये सारे। अब मैं आपको डिफरेंट चीज दिखाता हूँ, ये मेरा मैरीन टैंक है, ये मैरीन टैंक है, साल्टेड वाटर टैंक है ये। इसमें क्या चीज, मतलब क्या अलग इसमें? ये सब फ्रेश वाटर है जितना भी आप देख रहे हैं, ये साल्टेड वाटर टैंक, साल्टेड वाटर। इसकी फिश भी डिफरेंट होती है, फिशेज इसकी इस टाइप की होती है, जैसे क्लाउन फिश चलती है आपका, सी ऑर्थ होता है, जेली फिश होती है, ये आपने लगाया हुआ इस तरह, ये जो चार्ट है, ये चार्ट जो है, ये वाली सारी फिशेज जो है इसकी होती है। अभी फिशेज नहीं मंगाई है क्योंकि अभी हमने जो है मुरादाबाद में 5 ही कॉन्सेप्ट करे हैं अभी, ये 5 ही एक्वेरियम हमने जो है सेट करे हैं, तो जब उन्हें जरूरत होती है तब मंगाते हैं, और अभी ऑर्डर मंगा लेते हैं। हाँ अभी और आने वाला है, अभी अपने लिए भी आने वाला है सब माल, अभी खत्म हो गया है। इसका फिल्ट्रेशन बहुत हैवी है, देखिये मेरे यहाँ इसके फिल्ट्रेशन ही हैवी होता है, क्योंकि इसकी सफाई भी नहीं होती है, इस एक्वेरियम की सफाई भी नहीं होती है, सफाई नहीं होती है, केवल जितना पानी का लेवल डाउन होगा उस पानी के लेवल को हमें कंप्लीट करना पड़ता है, इसमें सफाई नहीं होती, इसकी क्लीनिंग नहीं होती है, करना चाहे कर सकते हैं लेकिन वो कई साल में होती है, कई साल में होगी। और ये जो फिल्टर है आपका, इसकी एक लाइफ होती है, उसके बाद इसकी सर्विस करवानी होती है। हां जी, इसकी बहुत लाइफ है, और इसमें एक हैवी फिल्टर को देना बहुत जरूरी होता है, ये रॉक से लगा हुआ आर्टिफिशियल रॉक से। क्या बात है, बहुत ज्यादा वैरायटी, बहुत ज्यादा मजे आ रहे हैं। और ये देखिए आप, ये मेरे पास मेड इन इंडिया फूड है सब, ये आपको इस बेल्ट में नहीं मिलेगा अभी, ये देखिए लाइफ आयु है, मेड इन इंडिया फूड है, ये बायो मीडिया है हम यूज कर रहे हैं, ये भी मेड इन इंडिया है, इसका फ्रेंचाइजी भी हूँ। क्या बात, ये टॉप फिल्टर है आपके सारे, ऊपर जितने रखे हुए हैं वो सारे हैंग ऑन फिल्टर हैं, तो सब हैंग ऑन फिल्टर है, जिससे क्या है ना मछलियों को जैसे आप
इंटरनल फिल्टर लगाते हैं तो इंटरनल फिल्टर से मछली हार्म होती है। okay. इन्हें फिल्टर लगाइए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पर फिल्टर चल रहा है हमारा, तो मछली को कोई लॉस ही नहीं होना है उसमें। आप ऊपर देखिए, ऊपर मेरे सिर के ऊपर कैनिस्टर फिल्टर रखे हुए हैं, उसको हर साइज का मेरे पास अवेलेबल है। आप 2 फीट से लेकर के और 10 फीट तक के एक्वेरियम में मेरे पास फिल्टर अवेलेबल होता है। ऐसे मेरे पास इम्पोर्टेड टैंक्स लीजिए, इम्पोर्टेड टैंक मेरे पास में जो है आपका 1 फीट साइज से, 1 फीट से भी छोटे साइज से लेकर के और 6 फीट तक का एक्वेरियम मेरे पास अवेलेबल रहता है। डिफरेंट कंपनीज एंड डिफरेंट वैरायटीज में, डिफरेंट हर टाइप से रहता है। देखिए ये टर्टल हाउस है नए टाइप के, ये लाइट्स है सब आपकी, ऊपर देखिए जो मेड इन इंडिया है, वो जितने ऊपर बॉक्स रखे हैं वो सारे वो सैंड टाइप में है और वो डिफरेंट टाइप की है उसको, और ये सब जो है मेड इन इंडिया है, मेड इन इंडिया। अच्छा, अगर पीछे जो आपके पीछे ये शंक्स वगैरह हैं, ये शंख है, पेबल्स है आपका, ये जो है ये सब रियल है या? ये सब रियल है, सब रियल है, आर्टिफिशियल कुछ नहीं है इसके अंदर। क्या बात, ये छोटा सा एक मैरीन टैंक है, जैसा कुछ लोग आते हैं कि भाई मुझे छोटा टैंक चाहिए मैरीन का, क्योंकि मैरीन थोड़ा एक्सपेंसिव होता है फ्रेश वाटर से। okay. तो उसके लिए लोग रेडी टू यूज है वो, तो उसके लिए हमारे पास में ये वाटर जो है, क्योंकि इसका तैयार करना पड़ता है, जो केन रखी है ये साल्ट वाटर टैंक के लिए केन है, ये केन अलग, ये 20 लीटर की एक केन होती है। जैसे ये वाला टैंक है 35 लीटर का है, तो इसमें 2 लीटर दो केन पड़ेंगी, 5 लीटर आपको स्पेयर में रखना पड़ेगा, क्योंकि पानी जो उड़ेगा उसको आपको फिल करना है, इसलिए आपको उसके अंदर वो यूज होगा। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसमें सैलिनिटी वगैरह चेक करनी पड़ती है सारी, और लाइट्स होती हैं बिल्कुल डिफरेंट लाइट्स होती हैं। और जब हम लेकर जाएंगे तो ये चीज आप सारी जानकारी देते होंगे? हाँ, पूरी सभी को देता हूँ ये जानकारी, क्योंकि हर जगह ऐसा नहीं होता, हर जगह क्या होता है कि उन्होंने माल बेचने पे उनका जो होता है फोकस होता है, लेकिन यहाँ पर आप जो है कस्टमर को पूरी डिटेल में आप बताते हैं, डिटेल में बताता भी हूँ, मेरा लड़का भी अगर जाता है लगाने के लिए तो उसको लड़का वहाँ पर जाकर भी डिटेल में बताता है, डिटेल में बता देता है, सब कुछ समझाते हैं आपको इसके साथ आगे करना क्या है, बिल्कुल तरीके से डील करना है। वाओ क्या बात है, तो एक अच्छी जानकारी मुझे मिल रही है, वैरायटी बहुत अच्छी ज्यादा मुझे मिल रही है। एक अंकल से बात कर लेते हैं अपने व्यूअर्स के लिए, क्योंकि मैं हर जगह जाता हूं तो आप जानते हैं मैं बात करता हूं। तो ये बताइए, अगर कोई आता है और बोलता है कि लोकल कारोबार का वीडियो देखकर हम आपके पास आए, तो कुछ ना कुछ उन्हें कॉम्प्लीमेंटली मिलने वाला है क्या, कुछ स्पेशल? वो अब फेस्टिवल टाइम आ रहा है, कुछ ना कुछ होगा। क्या बात है, देखिए मैं आपके लिए बात करना बिल्कुल नहीं चुकता हूँ। अगर आप बताते हैं यहाँ पर आकर कि लोकल कारोबार पर आपकी वीडियो देखकर हम यहाँ पर आए हैं, तो भैया आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंटली मिलने वाला है, फेस्टिवल आने वाला है, बोले कुछ ना कुछ स्पेशल आपको फील करवा ही देंगे, आपको कुछ ना कुछ अच्छा लगने वाला है। नवरात्र से फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होने वाला है जी, तो उसके बाद सब चीजें हम हर साल ही उसको दिवाली पे कुछ ना कुछ ऐड करते हैं, नया जो हम देते हैं, कुछ नई स्कीम्स देते हैं जी, वो देते हैं। हमारे पास में आपको बर्ड केज मिलेंगे, डॉग केज मिलेंगे, बेटे बर्ड केज उठा के यहीं ले आओ, बर्ड केज भी हम देख लेते हैं बेटे, यहीं ले आओ सब, या बाहर ही दिखाऊं? बाहर देख लीजिए, हम बाहर चलते हैं, गली बता बर्ड केज में बाहर रखे हो तो बाहर ही चलते हैं, वहीं पर चलते हैं, बहुत सारे आया मैं। हां बिल्कुल, आप ठीक है? कैसे हैं? बढ़िया, ब्यूटीफुल। ये देखिए मेरे पास बर्ड केज का कलेक्शन है, कलेक्शन भी काफी अच्छा, बर्ड केज का कलेक्शन आपके पास है, वाओ यार। अपने हिसाब से हम ला सकते हैं इसमें आपको जो है मेरे पास में 1.5 फीट से डॉग केज में और 5 फीट तक का मिलेगा। अच्छा, डॉग केज भी आपके पास यहाँ पर रहते हैं? वाह यार, बहुत अच्छा कलेक्शन है, बहुत हैवी कलेक्शन यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, पेट एंड एक्वेरियम हाउस यहाँ पर आपको मिल जाएगा, इनका मोबाइल नंबर बोर्ड पर भी है, वैसे हम इनकी पूरी डिटेल्स आपको जो है अपने डिस्क्रिप्शन में देंगे। तो यहाँ पर मुझे आकर तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, आप भी अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको यहाँ पर वैरायटी कैसी लगी, अंकल का जो बताने का तरीका था, अंकल समझाने का तरीका था, जो जानकारी आपको मिली वो कैसी लगी? अपने हाथ के बने, ओके, ये सब हैंडमेड है, ये हैंडमेड एक्वेरियम है। क्या बात है, तो भैया अंकल जी के पास जो वैरायटी है वो डिफरेंट वैरायटीज में है, डिफरेंट तरीके के जो है एक्वेरियम यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, बर्ड केजेस मिल जाएंगे, डॉग केजेस मिल जाएंगे, फूड्स मिल जाएंगे आपके पास एनिमल्स के, और सब हैंडमेड है। आपको डिटेल जो है पूरी यहाँ पर आपको जो है फूड्स की जो रेंज है, डॉग फूड्स हुआ, किटन फूड्स हुए, या फिश फूड्स हुआ, टर्टल फूड हुआ, सभी कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। मेडिसिन आपको यहाँ पर फिशेस से रिलेटेड जो मेडिसिन यूज़ होती हैं वो यहाँ पर मिल जाती हैं, लॉक्सॉल्ट मिल जाता है, जो जो चीज़ें आपको ज़रूरी होती हैं एक्वेरियम के लिए वो सभी कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपको उसको लेने के लिए कहीं और जाना है, सबसे बड़ी बात है जब आप एक्वेरियम लेने आएंगे तो आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दी जाएगी, उसके बारे में समझाया जाएगा, पूरा आपको डिटेल में बताया जाएगा,
जिससे कि आपके एक्वेरियम को या उसमें जो फिशेज हैं उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। तो मुझे तो अंकल की दी हुई जानकारियाँ बहुत अच्छी लगी। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए आपको एंक्वायरियाँ कैसी लगी हैं। ये इस तरीके का एक्वेरियम हाउस जो है मुझे नहीं लगता कि मुरादाबाद में या इस तरीके के जो जानकारी अंकल के पास है, बहुत कम लोगों के पास ही जानकारी होती है। भैया अगर आप भी एक्वेरियम का शौक रखते हैं, पेट्स का शौक रखते हैं, तो आप एक बार अंकल से आकर मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, इनसे डिटेल्स में जान सकते हैं। और भैया अगर आपको ख़रीदना है तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छा ऑप्शन आपके पास मुरादाबाद में अभी अवेलेबल है। तो ये तो बात हो गई अंकल के शॉप की, अंकल के पेट एक्वेरियम हाउस की। इसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, इनका मैप भी मिल जाएगा, मोबाइल नंबर मिल जाएगा। एक बार मैं आपको बता देता हूँ लोकेशन, चड्डा कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा मशहूर कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर काफ़ी पुराना कॉम्प्लेक्स है चड्डा कॉम्प्लेक्स, जो GMD रोड पर है, चौराहे से बहुत ज़्यादा करीब है, आप इजीली यहाँ पहुँच सकते हैं। बाकी आप फोन पर कॉन्टैक्ट करके भी यहाँ पर आ सकते हैं। बात कर लेते हैं थोड़ी सी लोकल कारोबार की। भैया अगर आपको लोकल कारोबार की वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा वीडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं। अगर आप भी कोई सजेशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। पहले भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सजेशन आ रहे हैं और हम उन सजेशन को पॉजिटिव लेते हैं, निगेटिव बिल्कुल नहीं लेते, और उनको अपने आप को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करते हैं। भैया अपना सजेशन देना कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ना भूलें, और हमारे चैनल्स पर इस तरह से बने रहिएगा, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नए प्रोडक्ट के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।